और अब बात नाव हादसे की। असम के जोरहाट में अब तक 90 में 87 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। सीएम ने उन नाव को भी देखा जो हादसे के शिकार हुए। ब्रह्मपुत्र नदी में हुए दो नाव की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई है जबकि दो लापता है। आपको बता दें कि नाव में 120 लोग सवार थे। दोनों नाव की आमने सामने टक्कर हो गई जिसके बाद रेस्क्यू मिशन चलाया गया। खुद मुख्यमंत्री वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस पूरी घटना को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी हेमंत बिस्वा शर्मा से बात की है और दुख भी जताया है। खुद मुख्यमंत्री जो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कुछ समय पहले की है जब वो मौके पर पहुंचे, उन नावों को भी देखा जो कि इस हादसे का शिकार हुई है। नाव हादसे में 87 सुरक्षित निकाले जा चुके हैं। 90 लोग था, 90 लोग था, उसमें 87 लोगों को आइडेंटिफिकेशन हो गया है। वो लोग अच्छा है, वो लोग कोई हॉस्पिटल में है, कोई होटल में है, कोई अपना घर में है। एक महिला का जो हमारा अध्यापक का नौकरी करता था उनका निधन हुआ है और दो व्यक्ति अभी तक लापता मिसिंग है, लापता है। तो पूरा मैसिव सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एयरफोर्स भी सर्च ऑपरेशन कर रहा है आकाश से, NDRF SDRF का टीम भी है और आर्मी का जवान भी काम कर रहा है। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।